दोस्तों अपने फैंस से किए गए कमिटमेंट को पूरा करते हुए फाइनली 13 मई को सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई रिलीज हुई थी। विदेशी सिनेमाघर में रिलीज हुई राधे देश के कुछ एक सिनेमाघरों के साथ साथ Z5 पर पे पर व्यू सर्विस Zplex पर रिलीज हुई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते सलमान के फैंस राधे को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए क्योंकि कोरोना लॉकडाउन के चलते सिनेमाघर को बंद कर दिया गया था। हालांकि राधे त्रिपुरा राज्य में 3 सिनेमाघरों में, अगरतला में 2 और धर्मनगर में 1 थिएटर में रिलीज हुई थी। और आपको बता दूं कि अब महाराष्ट्र के सिनेमाघरों में भी राधे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। 5 जून को महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के बाद सख्त कोरोना गाइडलाइंस के साथ अपने नए अनलॉक प्लान के तहत फिल्म और टीवी सीरियल की शूटिंग की इजाजत दे दी है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अनाउंसमेंट की कि वो विभिन्न स्तरों पर जिलों की ग्रेडिंग करके राज्य को अनलॉक करेंगे। महाराष्ट्र के 2 सिनेमाघर में रिलीज हुई सलमान खान की राधे योर मोस्ट वांटेड भाई घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 69,265 रुपीज की कमाई कर चुकी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 2 सिनेमाघरों में सलमान खान की फिल्म राधे को रिलीज किया गया, एंजॉय अ ड्राइव इन सिनेमा मालेगांव और दूसरा खिनवासरा सिनेप्लेक्स औरंगाबाद में है, जिन्होंने थिएटर में राधे को रिलीज किया। एंजॉय अ ड्राइव इन सिनेमा सिनेमाघरों में राधे के प्रतिदिन 2 शोज चलते हैं जबकि खिनवासरा में 4। जब ड्राइव इन सिनेमा के मालिक से राधे की रिलीज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि शाम 7:30 बजे के शो में 22 लोगों ने अपनी अपनी कार में फिल्म देखी जबकि 40 लोगों ने कुर्सी पर बैठकर राधे को एंजॉय किया। वही खिनवासरा सिनेप्लेक्स थिएटर के मैनेजर ने बताया कि हमने कल 22 टिकट्स बेचे लेकिन हम फिल्म की रिलीज को जारी रखेंगे क्योंकि फिल्म रिलीज होने से थिएटर में हलचल हो जाती है। हम अब तक राधे को सिनेमाघरों में लगा रहने देंगे जब तक कि कोई नई फिल्म रिलीज के लिए नहीं आ जाती। हाँ, ये हो सकता है कि 4 से 2 शोज हो जाएं, लेकिन थिएटर बंद नहीं रहेगा। आपको बता दें कि जहां औरंगाबाद थिएटर में ओवरऑल कलेक्शन हुआ था 2400 का, वहीं ड्राइव इन सिनेमा का कलेक्शन है 3,597 रुपए, ओवरऑल 3,600 रुपए। इस तरह से राधे का कुल कलेक्शन होता है 6,017 रुपए। रिपोर्ट्स की माने तो राधे और मोस्ट वांटेड भाई ने 1 वीक में त्रिपुरा के 3 सिनेमाघरों से ओवरऑल का कलेक्शन किया है 63,248 रुपए का। वहीं महाराष्ट्र के 2 सिनेमाघरों को मिला के दिया जाए तो ओवरऑल टोटल जो कलेक्शन होता है वो है 69,265 रुपीज। मतलब कि हाइब्रिड रिलीज के बाद भी सलमान खान की राधे को लोग सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं और अब जब सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं तो लोग धीरे धीरे अपने कदम सिनेमाघरों की तरफ बढ़ा रहे हैं। देखना होगा कि आगे चलकर फिल्म का ओवरऑल कलेक्शन, लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होता है सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर। वेल, आपको क्या लगता है कितने का कलेक्शन होगा ओवरऑल? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।